अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये टीवी है पैनासोनिक का। इसका फॉल्ट है, इसकी डिस्प्ले बहुत डिस्प्ले क्लियर है इसकी, ये देखें डिस्प्ले इसकी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसकी तस्वीर बहुत मध्यम आ रही है, बिल्कुल लो क्वालिटी की इसकी पिक्चर आ रही है। देख रहे हैं डिस्प्ले बिल्कुल साफ है, इसका आवाज़ भी है। ये पैनासोनिक का टीवी है, ये टीवी है पैनासोनिक का। चलो खोलते हैं, ये देखें ये टीवी है पैनासोनिक, ये इसका मॉडल है ये। तो अब इसको खोलते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर रहा हूँ। दोस्तों हमने टीवी खोल लिया, अच्छा ये टीवी है, ये इसका सर्किट है, ये लगता है पहले भी रिपेयर हो चुका है, पहले भी इसका कोई फॉल्ट आया होगा, शायद कलरों का फॉल्ट आया होगा, इसका जो रेजिस्टेंस अलग से लगी हुई है। तो अब इसको हम कैमरे को एडजस्ट करते हैं, इसके हम बोर्ड वगैरह चेक करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले इसका 180 वोल्ट चेक करेंगे, क्योंकि अगर 180 वोल्ट ना आए तो फिर भी ये जोन से है ना, इसकी लाइट मध्यम हो जाती है। तो एक प्राड हमने रख लिया ग्राउंड, और दूसरा ये इसकी लाइन है 180 वोल्ट वाली, देख रहे हैं ये इधर इसके 180 वोल्ट आ रहे हैं, 180 वोल्ट इसके आ गए हैं। आप ये देख रहे हैं मीटर पे ना, इसके 250 पे करके चेक करेंगे, इधर 180 वोल्ट इसके आ जाएंगे, 80, 82, 84, 85 वोल्ट आते हैं इसके, 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। फिर ये रेजिस्टेंस है, इसके एक तरफ 180 वोल्ट आएंगे, दूसरी तरफ इस तरफ इसके 5 वोल्ट आने चाहिए, अक्सर इसका यही फॉल्ट आता है। हाँ लेकिन इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब इसके आगे फॉल्ट है, लेकिन ज़्यादातर होता है कि यही रेजिस्टेंस की ख़राब हो जाती है। इसके एक तरफ तो 180 वोल्ट आते हैं, आगे 5 वोल्ट नहीं आते, जिसकी वजह से ये ऐसे मध्यम हो जाती है, फिर रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो ये आ जाती है। तो इसके 5 वोल्ट तो बन रहे हैं, इसका मतलब इसके फॉल्ट कहीं आगे है। तो आप यही लाइन ट्रेस करेंगे, 5 वोल्ट चेक करते जाएंगे। ये लाइन आईसी तक जाएगी, कहीं पर भी लाइन अगर ब्रेक होगी तो वो इसके 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे, जहाँ 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे तो वहीं से इसका फॉल्ट आएगा। इसके 5 वोल्ट आईसी तक जा रहे हैं, तो इसका एक और फॉल्ट भी आता है, मैं आपको वो बताता हूँ। इसका एक आगे डेविड लगा होगा, 5 वोल्ट बन रहा है, मैं आपको डेविड दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कार्ड हम इसमें इधर लगा देंगे, तो इधर इस जगह पे एक डेविड लगा होता है आपका, ये 5 वोल्ट वाला डेविड, ये आप देख रहे हैं 5 वोल्ट वाला डेविड। अगर आप इसको ओपन कर देंगे ना, फिर भी अगर आप पे फॉल्ट होगा तो ठीक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट इसके हैं, ये देखें, लेकिन टीवी आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल अभी, वो देखें मध्यम है, ये आपका सही नहीं चल रहा अभी। तो इधर भी 5 वोल्ट इसके बन रहे हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन फिर भी टीवी आपका अभी मध्यम है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे और फिर चेक करेंगे। ये वाला डेविड है, ये जगह देखे, अब मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर डेविड लगा हुआ है इसके, ये इस जगह पर आपको क्लोज करके दिखाता हूँ एक बार, ये वाला डेविड लगा हुआ है, इसको आप ओपन कर लेंगे, ये देख रहे हैं आपने इसको ओपन कर लिया, एक पिन हमने निकाल दी है, तो एक पिन से अब ये ओपन हो गया।
तो अभी इसको हम चला कर देखेंगे। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया इसका, ये आप देख रहे हैं इसका ये ओपन हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसका स्विच लगाएंगे। ये ऑन हो जाएगा जी, ठीक है, टीवी ऑन हो गया। केबल लगा के देखते हैं अब इसकी। टीवी आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं इसको आपको सामने से दिखाता हूँ। ये हमारा टीवी अब साफ़ हो गया। तो इसका डेवड़ का ही फॉल्ट था। इस डेवड़ का ये है कि आप ओपन करेंगे तो ये चल जाएगा, तो आप इसकी जगह दूसरा भी लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो भी ये चल जाएगा। तो ये अब आपका टीवी बन गया है। देखें ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया। देख रहे हैं आप, इसकी 5 वोल्ट वाली ABL वाली जो लाइन है इसी के अंदर फॉल्ट आता है ज़्यादातर। अभी हमने स्पीकर नहीं लगाया हुआ, स्पीकर इसका साथ रखा हुआ है इसलिए इसकी आवाज़ नहीं, लेकिन ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम इसका स्पीकर लगाते हैं फिर देखते हैं इसको। तो मैं इसका जोन सा है दूसरा डेवर लगा देता हूँ, वैसे इसको ना भी लगाएं तो ये चल जाएगा। डेवर हमने इसका दूसरा लगा दिया। तो अब हम इसको करेंगे फिट। अब इसका स्पीकर लगा देते हैं। काफ़ी वज़नी है इसका, एक तो टापा भी काफ़ी वज़नी है। ये टीवी आपका फिट हो गया, तो अब इसको चलाते हैं। इसको हम इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये टीवी आपका चल गया। ये हमारे पास क्योंकि मास्टर रिमोट होता है, ठीक है दोस्तों। आपका टीवी हो गया, बन गया। अगर कोई और फॉल्ट हो तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपको वो फॉल्ट भी निकाल कर दिखाएंगे। शुक्रिया दोस्तों।